हाय गाइस, आज जरा कंपैरिजन कर लेते हैं इसका। और जैसे आप देख पा रहे हो, ये है Zoom H1। ये भी एक माइक है, एक्सटर्नल माइक है। हाय गाइस, दिस इज सुदीप, वेलकम टू माय चैनल सुदीप व्लॉग्स। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये मेरा पुराना सोनी का माइक, और ये सोनी से रिकॉर्ड हो रहा है, और इससे भी रिकॉर्ड करके देख लेते हैं कि कैसा, आप लोग मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है। तो इसको रिकॉर्डिंग पर डाल देते हैं, तो आप देख पा रहे हो ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो अभी दोनों एक जगह पर रख देते हैं, सेम दोनों मेरे इतने दूर में है। मैंने ये जो माइक है ये मेरे सोनी कैमरा के लिए ही है ओनली, और कुछ किधर भी यूज नहीं होगा। एंड सेकेंड थिंग, ये वाला जो माइक है ये एक्सटर्नली आप कहीं भी यूज कर सकते हो, और इस पर आप लेवलियर माइक डायरेक्ट लगा सकते हो। तो पॉइंट लगाओ, और यहाँ पर काफी गर्मी है तो क्या कर सकते, बार बार इसलिए पसीना आ रहा है, और इसलिए लाइट फैन वैन सब बंद करना पड़ता है, तो ये आवाज आएगा। तो Zoom H1 का जो पावर है इट्स वेरी नाइस, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसमें आप देख पा रहे हो अभी Zoom H1 में मैं बात कर रहा हूँ, आप ही बताओ मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये Zoom H1 है, और मैं अभी स्विच करता हूँ मेरे सोनी वाले माइक पे। तो ये सोनी वाला माइक है, डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो, बिकॉज मुझे तो अभी सुनाई नहीं दे रहा है। आप बताओ मुझे कैसा लग रहा है, कहीं और चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लिया हम लोग ने। तो अगेन ये सोनी है, और ये है मेरा Zoom H1। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे दोनों पसंद है, लेकिन अलग अलग जगहों पर यूज़ करने के लिए ज़्यादा अच्छा है। सोनी वाला माइक डायरेक्ट कैमरा को लगता है, तो इसके लिए दैट इज़ बेटर, और डायरेक्ट काम हो जाता है। लेकिन इसमें बाद में सिंक करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इट्स गुड। तो ये जो आप देख पा रहे हो, इसका जो ये डेड कैट है ये आता नहीं है, मतलब ये डेड कैट तो नहीं है, एक स्पंज है, तो इसको अलग से खरीदना पड़ता है। ये मैंने लगाया अलग से। ये जो माइक है ये देखो, अभी इसका क्या करते हैं, हम लोग इसको ऑन कर देते हैं। आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इससे बोलते हैं कुछ, और इतने पास से। तो आप लोग देख पा रहे हो कि कैसा क्वालिटी है इतने पास से, तो ऐसा सब है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बनाया जाए, और आप लोग से पूछा जाए कौन सा यूज़ किया जाए। तो ये दोनों अभी सेम पोजीशन में है, तो आप बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। तो अगले टाइम से मैं वही ट्राई करूँगा यूज़ करने का। एक दो व्लॉग में आपने देखा ही होगा ऑलरेडी, जैसे उपवन का व्लॉग है, उसमें मैंने ये Zoom H1 यूज़ किया था। तो आप देखो, आप बताओ, उसके हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वायरस आया हुआ है, तो उससे बचा जाए। और ये काफ़ी सिंपल एंड शॉर्ट वीडियो रख रहा हूँ मैं, कहीं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसके लिए मैं ऐसा घर पे बैठ के मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए एंड पूछा जाए आप लोगों से। तो ये मैं स्विच करता रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि दोनों से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोग बताओ मुझे। जैसे कि आज संडे है एंड आज जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, इट्स गुड कि हम लोग कर रहे हैं, इतना बड़ा स्टेप लिया हम लोग ने। प्लीज़ ट्राई करो, घर से बाहर ना निकलो, और बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का, हम लोग इसको रोक सकते हैं, बिकॉज ये नहीं तो बढ़ते जाएगा। तो इट इज़ अ गुड थिंग कि हम लोग इतना सब पावरफुली काम कर रहे हैं, दैट इज़ नाइस। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, और लाइक ट्रैवल वीडियोस रहता है, फूड ब्लॉग्स रहते हैं, तो ये सब बनाते रहता हूँ। तो आप लोग ज़रूर फॉलो करो, आप लोगों को आई थिंक अच्छा लगेगा। एंड सिनेमैटिक शॉर्ट्स देखो, सिनेमैटिक शॉर्ट्स काफ़ी थोड़े बहुत ले लेता हूँ मैं भी, तो जितना सपोर्ट करोगे उतना अच्छा है। और मैंने एक मूवी देखा था, दैट इज़ कंटेजियन आई गेस, और एक कंटेजियन, तो मुझे ठीक से उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, मुझे लगता है ये कंटेजियन ही है। तो वो ज़रूर देखिए, 2011 की मूवी है। एट दैट टाइम से पता नहीं कैसे प्रिडिक्ट कर पाए इतना कि आफ्टर 10 ईयर्स ऐसा कुछ हो सकता है। एंड सेम थिंग उसमें जो जो चीज़ें बताई है सब कुछ सेम है। मैं वो देख के ऐसा लगा कि मैं मतलब ये होने के बाद किसी ने बनाया है मूवी, लेकिन इट्स लाइक सुपर। तो आप लोग ज़रूर देखिए, अमेजोन प्राइम पे है आई गेस, यस उसमें है। और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझे, वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, मुझे वहाँ पर सजेस्ट कीजिए। ऐसा आपके पास अगर कुछ कंटेंट रहेगा कि मैं बनाऊँ, तो मैं श्योरली ट्राई करूँगा बनाने का। छोटा रखते हैं व्लॉग को, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, वेट रिल नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मुझे भी हेल्प, और आपको भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे आई एम श्योर। एंड मेरे पुराने वीडियोस जरूर देखना, ये जस्ट छोटा वीडियो था जस्ट फॉर अपडेट। सो एज ऑलवेज, नेवर गो थ्रू योर लाइफ, ऑलवेज ग्रो इन योर लाइफ गाइस, नेवर लुक बैक।